glasses. Eyes up! Get in my... 50! 150! 150! Chalo! हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ट्रैक। सामने देख सकते हो आज हमारे पास दो रेड ब्यूटीज हैं, दोनों डिफरेंट ब्रांड्स की होने वाली है। पहली बाइक है अपनी हीरो की XMR 210, उसी के बगल में खड़ी है द रियरेस्ट बजाज डोमिनेट 250। अब लोग कहेंगे भैया 400 को तुम 250 बता रहे हो। देखो ये कॉल जो है इस पर स्टीकर लगे हैं D400, लेकिन मैं तुमको दिखा देता हूँ 250 कैसे है। ये देख सकते हो यहाँ पे 248.77 cc लिखा हुआ है, तो ये भैया 250 cc है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो आज हमारे पास आई तो हमने सोचा क्यों ना इसका जो है एक बैटल XMR 210 से बनाया जाए। अब बाकी इंजन स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो XMR में आपको मिलता है 210 cc का लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 25 PS की पावर, और वहीं पर आपको 20 Nm टॉर्क देखने को मिलने वाला है। यहीं पर बात करते हैं डोमिनार की, तो यहाँ पर आपको 249 cc लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करता है 27 PS की पावर और 23 Nm टॉर्क। अब टॉर्क में थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, 40 cc का फर्क है। परफॉर्मेंस में कितना फर्क होने वाला है ये तो देखने के बाद पता चलेगा। बाकी यहीं पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं, और वहीं पे बात करते हैं डोमिनार की, तो यहाँ पे आपको USD 400 जैसे देखने वाले मिलने वाले हैं। बाकी LED हेडलैम्प की बात करते हैं, तो दोनों में आपको LED प्लस DRL देखने को मिलने वाले हैं। डोमिनार में आपको यहाँ पे जो है DRL देखने को मिलेगा जैसा देख सकते हो। बाकी इसमें क्लस्टर की बात करते हैं, तो हीरो में आपको एक नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जैसा देख सकते हो। दोनों बाइक्स में आपको ABS प्रोवाइड किया जाता है। चार्जिंग पोर्ट आपको जो है XMR में देखने को मिलने वाला है, देख सकते हो। बाकी कुछ ऐसे प्रीमियम जो है किल स्विच वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, बाकी यहाँ से आप M और ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो। और एक चीज़ जो रेयर है वो एक और चीज़ जो है यूनिक है इसमें, वो है इसका वाइज़र। जैसे देख सकते हो XMR में आपने पहले भी देखा होगा ये वाइजर बटन है, जिससे वाइजर को शिफ्ट किया जाता है ऊपर नीचे। बाकी डोमिनार के इंस्ट्रो क्लस्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डबल डिजिटल मीटर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक टैंक पे होता है और एक होता है ऊपर। और प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस आपको लगभग दोनों का सेम देखने को मिलने वाला है एक शोरूम में। 1,80,000 उसका भी, एक शोरूम है 1,80,000 उसका भी है। अब हीरो ने भैया इतनी तगड़ी गाड़ी बनाई है, पहले आती थी करिश्मा XMR, वो ZMR ना, अब आ गई आपकी XMR। हाँ तो एक ZMR आती थी ना करिश्मा, सो उसी के उस पर, और हीरो के पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी तो उन्होंने करिश्मा को उतारा। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो दोनों बाइक्स में आपको फ्रंट में यहाँ पे आपको 110, वहाँ पे आपको 100 सेक्शन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 140 देखने को मिलेगा, वहाँ भी आपको 140 R15 वाली टायर देखने को मिलने वाला है। दोनों बाइक्स में आपको जो है आउटर एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है, और दोनों बाइक्स में आपको जो है स्प्लिट शीट देखने को मिलने वाली है। तो चलो इस ट्रैक को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बाकी मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं ट्रैक को। मैं चला रहा हूँ पहले हीरो करिश्मा XMR 210, और तो ये चला रहा है डोमिनार 250। देखो ये इतना बेईमान इंसान है, लोगों को पागल बनाने के लिए इसने स्टिकर लगा रखा है डोमिनार 400 का। जलवा क्या है भाई, सस्ते में महंगे कपड़े वो ले रहे हो, 4 लाख की डोमिनार है तुम। मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, आशीष चंचलानी ना बनो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, आइए। सो गाइस इनिशियल मैक्स से बाहर निकल गई है, भाई साहब स्पीड स्लिमिंग करके तो निकल लगा बचवा, और कितना दूर जाएगा तू। बस इनिशियल में करिश्मा निकल गई है भाई। तो भैया मैं आगे हूँ और डोमिनार पीछे ही लगी हुई है, देखते हैं क्या है, वो रहता है। निकल गई है डोमिनार भाई, फिलहाल तो अभी नहीं निकली है, बगल में लगी हुई है। स्लिप चेंज करके आएगी तो आएगी, नहीं तो आ नहीं पाएगी मुझे लगता है ऐसा। अब या तो चलाने में डिफरेंस है तो या फिर गाड़ी में डिफरेंस है, चलो देखते हैं। अब तो गई, ये
करिश्मा आई है अभी तक और यहाँ तक करीब में हूँ। और ये निकल गई क्योंकि ये स्टॉक है, लोग कहते हैं इतना इतना जाती है तो उसमें पॉकेट लगा होता है भाई, ये ध्यान रखना हमेशा। डोमिनार आके निकल चुकी है लिमटर आने के बाद में, तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे और ऐसे करते देखो ऐसे पकड़ के खींच दिया उसको मैंने पीछे। कतारी कतारी हमसे कहा से आ जाता भाई, स्पीड स्लिपिंग करके आ जाता लौंडा। Few moments later. So guys, ऐसा आपने देखा कि भैया फर्स्ट राउंड में डोमिनार जो है स्ट्रिप सीम करके आगे आई और XMR मैं चला रहा था तो इनिशियल में आ गया। फिलहाल के लिए अब एक बार राइडर स्विच करते हैं, दिलकुश को देते हैं जो है XMR और मैं चलाता हूँ डोमिनार 250। तो देखते हैं क्या मैं इसको दिलकुश से बेटर लॉन्च कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो चलो अब एक बार राइडर स्विच कर लिया, दोनों रेड ब्यूटीज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं अपनी जगह पे। चलो भाई तो है भाई इसमें थोड़ा सा पावर है लेकिन मेरा लॉन्च बिल्कुल से अच्छा है। इनिशियल में तो बढ़िया है ए, ए, भाई जी मैं टकी थी लेकिन नहीं निकलने दूंगा जहां तक मुझे लगता है। और ये मैं आगे देखते हैं XMR निकल गई है क्योंकि तो मैंने थोड़ा सा हल्का रखा, अब देखते हैं क्या होता है। 138, 39 पांचवे गियर में 139 कर रही है। बजाज में मीटर एरर देखने को मिलता है भाई आपको, अब देखते हैं 144 जा चुके हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। बहुत ज्यादा भाई स्विमिंग करके वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। और मैं करने दूंगा स्पीड स्विमिंग, आ जाओ किधर से करोगे स्पीड स्विमिंग। मैं खेल खेल के जाऊंगा, मैं लंच नहीं आने दूंगा। और गाइस करीब भाई डिफरेंस हो जा रहा है 145 जा चुके हैं गाइस, 148, 149, 50, 150 पहुंच गया मैं। अब देखता हूँ तो क्रॉस कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। 151 So guys, जैसा आपने अभी देखा कि स्लिप सीम करते जैसे कहा गया था लीजन बैक है तो बैक है सच में भाई, वो तो है ही है यार। देखो इसमें पता क्या है, इसमें मैं अगर स्लिप सीम करूं थोड़ी दूर तक तो निकल जाऊंगा। तुम इसको कितना ले गए थे, कितना गई थी टॉप स्पीड कितना गई थी वो? मैंने तो भगाया था 151 तक। हां 152 अभी भी गई थी। चलो एक बार इनिशियल टेस्ट करते हैं, आओ इनिशियल टेस्ट करते हैं, आओ एक बार और देखते हैं। सो गाइस एक बार आओ इनिशियल चेक करते हैं। करने
के ऊपर है गाइस, देख सकते हो एक्से मार चली गई न्यूट्रल पे, वहां पे मेरा गियर फंस गया था ना इस वजह से, गियर फंस गई थी भाई इनिशियल में। और जैसे ही कहा था मैंने भाई गियर फंस रही है, मैं निकाल लू इसको, पक्का पक्का निकाल लू। चलो पक्का भाई, भाई हो गई तुम्हारी, अब टॉप एंड में शायद एक्स्ट्रा मान निकल जाए, अभी नहीं निकल सकते मेरे जान, वहां पे मैंने थोड़ा सा वो कर दिया था इस वजह से एक्स्ट्रा मार जो है निकल गई थी। चलो देखते हैं, आई है एक्स्ट्रा मार, आ गई है, आ गई भाई। चलो 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 बेटा तुम निकल तो जाएगी भाई, वो पावरफुल है डोमिनार 250 से, देखते हैं 146 47। और ये चलो गाइस, यस यस बिल्कुल हेड टू हेड है, तो देखा तुमने भाई, बात ये थी ना गियर फंस रही है मुझसे, क्या बात, गियर मेरे में भी सेकंड राउंड में डोमिनार में फंसा था इस वजह से। तो गाइस जैसा देखो यार, एक तरह से देखा जाए अगर तो हेड टू हेड है, दोनों अपनी जगह पे हैं। फर्स्ट राउंड में जो है पावर टॉर्क दोनों उसमें जाता है, उसके बाद में भी जो है XMR को मेन प्रॉब्लम ये वेट उसका, उसका वेट और उसको नेकेड का जो है डिसएडवांटेज मिल रहा है, इसको मिल रहा है फेयरिंग का फायदा। तो यहाँ पे गाइस जैसा आपने देखा कि भैया XMR 210 जो है ज्यादा पावरफुल है या नहीं है, ये आप खुद ही बताओ, मैं नहीं बताने वाला। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।